ये देखो, बकरी तो होता ही नहीं ये ऐसे रहा तो। हिरन और हिरन का बच्चा। ओ तेरी, कितना तेज भागा वो। ऐसे क्या ये है हिरन यहाँ पे, ये देखो। ये अच्छा। तो पहाड़ों में ऐसे हिरन देखे जाते हैं। ये देखो कितनी तेज स्पीड से भाग रहा है वो खेतों में। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, मैं गया था अपने दोस्त के गांव पिंगला पानी में। वहां पर हमने रोपाई की और धान के पौधों को खेत में रोपा। तो आज वहां से मैं घर आ चुका हूं और अभी दिन के 3 बज रहे हैं। तो मैं अपने घर के बहुत पास पहुंचने वाला हूं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पहाड़ों में आजकल बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हर जगह पर छोटे मोटे झरने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए, यहाँ पर पहाड़ी से एक बहुत प्यारा सा छोटा सा झरना बह रहा है। पहाड़ का पानी गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है। और ये देखिए कैसी चट्टान से ये पानी निकल रहा है। इस ठंडे पानी पर हाथ मुंह धो के बहुत राहत मिल रही है। पहाड़ों पर निकलने वाला पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसको पी सकते हैं। अभी मैं रुका हूँ भड़ज मार्केट के थोड़ा सा पीछे और यहाँ पर थोड़ी बहुत छाया है, यहाँ पर पानी भी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। पहाड़ों में ट्रक बहुत धीमी स्पीड से चलते हैं क्योंकि ऊपर आते टाइम इनमें लोड भी रहता है और रोड भी बहुत सकरी रहती है, जिसकी वजह से तेज स्पीड पर चलना बहुत मुश्किल है। अभी ये ट्रक लगभग 10 की स्पीड पर चल रहा है और ये ऐसे ही जाएगा। धन्यवाद साइड देने के लिए। तो ये देखिए एक और ट्रक है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर का काम लगा हुआ है जिसकी वजह से ये रोका गया है। थोड़ा हाथ में धोने के बाद अब जाके राहत मिल रही है। यहाँ पर ये जो गाय है ये छोड़ी हुई है, अब पता नहीं किसने छोड़ी और क्यों छोड़ी। छोड़ी तो इसलिए होगी क्योंकि अब वो दूध नहीं दे रही होगी, तो इसीलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया। क्योंकि दुनिया मतलब ये है, जब तक आपसे कुछ मिल रहा है, जब तक आपके पास कुछ है, तब तक आपकी वाहवाही करेंगे, फिर उसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे। तो ये सामने है भड़ंज बाज़ार। वैसे आज मैंने श्रीनगर जाना था, बट जो टायर मुझे चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं है और आज भी वो श्रीनगर में अवेलेबल नहीं हुए। इस बार मैंने ऑफ रोड टायर डलवाने की सोची थी, तो मैंने दो टायर सेलेक्ट किए थे, MRF का मीटियोर और मोटोग्रिप M, वो तो मिल ही नहीं रहा, और एक था अपोलो का ट्रैम्पलर ST, ऐसा कुछ नाम करके था, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे आज घर आना पड़ा। ये सारे जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ये कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं कौंथा गांव में, यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और यहां पर हो रही है वो कथा, ये देखे। तो आजकल गांव में बहुत सारे बंदर दिखने लग गए हैं क्योंकि बंदर आ जाते हैं गेहूं वगैरह खाने के लिए। एक यहाँ पर था, एक वहाँ पीछे था, वो डरा भी रहा था। तो रोड के दोनों तरफ लोगों ने अपने खेतों में आलू लगा रखे हैं, तो बंदर आलू खाने ही आए होंगे और बंदर आलू को तहस नहस कर देते हैं, सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। अभी दिन का समय है, सभी लोग सो रखे होंगे, इसीलिए पूरा माहौल सुनसान जैसा हो रखा है। बस दूर कहीं एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है। पता लग गया बस ठीक तो सब बड़े सिंह। तो अभी पहुंच गया हूं मैं गांव में और यहां पर लोग आजकल फुल गेहूं की मुट्ठी कर रहे हैं, गेहूं की लवाई मंडाई पर लगे हुए हैं। तो यहां पर मुझे माँ भी मिल गई है, तो माँ भी यहां पर आ रखी है मुट्ठी करने के लिए। हम उनके लिए सब लोग लगे हैं मुट्ठी करने पे, चौक में भी गेहूं और यहां छत पे भी गेहूं। क्योंकि मेरे गांव में ठंडा ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर गेहूं की मंडाई देर में होती है। कल जिस गांव में मैं गया था वहाँ पर गेहूं का एक भी नामो निशान नहीं था, वहाँ पर लोग धान की रोपाई करने लग गए। मेरे गांव में अभी तक लोगों ने खेत से पूरे गेहूं ही नहीं काटे और अभी तक लगे हुए हैं गेहूँ की मुट्ठी करने पर। तो 20 किलोमीटर में इतना फ़र्क आ जाता है। तो ये देखिए, ये है आलू का खेत, यहाँ पर बहुत सारे आलू निकाले गए हैं या फिर किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। आ जा आ जा, आ एक आलू कैसा है। तो कालू खुश हो गया है जैसे ही मैं घर आया,
क्योंकि मैं एक दो दिन से कालू से नहीं मिला था। कालू आओ, क्या हाल है कालू? हैं, तूने खाना भी खाया कि फिर किसी चिड़िया के बच्चे खा दिए? हैं, तो कालू ने आज खाना नहीं खाया है और उसने गेहूं गिरा दिए। तो यहाँ पर देखिए कंटर में धुआं लगा रखा है ताकि इन भैंसों और बैलों को मक्खियाँ परेशान न करे। तो आजकल निकिता की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, निकिता आराम से छुट्टियों का मजा ले रही है। निकिता कितने दिन की छुट्टी पड़ी है? 35 दिन की। कितना होमवर्क दे रखा है गुरुजी ने? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? तो आजकल मेरे घर पर गेहूं का काम पूरा हो गया है, एक भी गेहूं नहीं बचे हुए हैं। गेहूं की मंडाई हो गई है। गांव में वापस आते ही मौसम ठंडा होने लग गया है और बड़ी प्यारी हवा चल रही है, इसीलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। तो निकिता की चाय बन के तैयार है, निकिता चला जा बिस्किट खाने। तो अभी शाम होने को आई है, बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं। तो जैसे ही मैं गर्म से ठंडे इलाके में आया तो मेरी आंखों में खुजली होने लग गई है। इसको मेरी भाषा में सर्द गर्मी बोलते हैं और अगर हिंदी में बोला जाए तो शीत गर्मी बोलते हैं, कि गर्म ठंडा एक साथ हो जाता है। तो माँ भी पहुँच चुकी है गाँव से घर पर और यहाँ पर लगी है। इसके पास जो हमने घास डाला होगा वो इधर उधर पड़ा होगा, तो उसको समेटने में एक आलू आ जरा आ जा। तो अभी निकिता छत पे आ रखी है कालू के साथ खेलने के लिए। कालू आ जा 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 आ जा। जैसे गर्मियों का टाइम बढ़ रहा है वैसे ही रात पड़ने का टाइम भी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, 7 बज चुके हैं। अभी भी इतना ज्यादा उजाला है, अभी रात पड़ने में 15 से 20 मिनट बाकी हैं। तो आजकल कालू की भी छुट्टियां पड़ रखी होंगी है ना? तो निक तो क्या प्लान है छुट्टियों का, कहाँ कहाँ? कालू कालू क्या कर रहे हैं यार? यो तू 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 है यार। कालू कालू तो कालू नहीं चाहता कि कोई इसको परेशान करे। निकिता कहाँ जाने का प्लान है घूमने का? छुट्टियां हैं आजकल, कोई नहीं, कहीं भी, मनाली, शिमला, चारी बीठा। तो ये है चारी का बीठा। वैसे एक बात है, जो पहाड़ के बच्चे होते हैं उनका उतना ज्यादा बड़ा प्लान नहीं रहता है जैसे शहरों के बच्चों का होता है कि हमने वहां जाना है यहाँ जाना है। पहाड़ में इतने सारे काम रहते हैं कि उनको कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता। बस अगर वो जाएंगे तो मेरे आसपास के लोग कार्तिक स्वामी जाएंगे जब वहाँ पर यज्ञ होता है, या फिर तुंगनाथ चोपता की तरफ निकल जाएंगे, या फिर घास के लिए निकल जाएंगे, है ना? हाँ ये कौन है? तो यहाँ इस खेत में कुछ दिख रहा है, ये देखो आपको भागते हुए कुछ चीज दिख रही होगी। तो ये भागी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से खेत में वो भाग रहे थे। ये खेत आपको दिख रहा होगा, तो इसी खेत में वो इधर से उधर कर रहे थे। ये देखो यहाँ पर ये देखो ये रहा हिरन और हिरन का बच्चा। ओ तेरी कितना तेज भागा वो। ये है हिरन यहाँ पे, ये देखो ये तो पहाड़ों में ऐसे हिरन दिखे जाते हैं। ये देखो कितनी तेज स्पीड से भाग रहा वो खेतों में। ये देखो अभी आए नीचे वाले खेत में। ये देखो ये हिरन है और फिर भागा वो। और एक ये रहा, तो देखिए दोनों एक ऊपर वाले खेत में और एक नीचे वाले खेत में है। तो कुछ तो फायदा हुआ इस जूम वाले कैमरे का। ये देखो ये फिर भागने लग गया। ये देखो ये रहा हिरन। अभी शाम हो गई है तो इसीलिए इतना ज्यादा लो लाइट हो रहा है, वरना तो दिन में बहुत साफ दिखाई देता। हाँ हाँ तीन झिन्नर शायद से। तो हमारा कालू भी आ गया है हिरन को देखने के लिए और निकिता भी आ गई है। तो सामने के खेतों में आजकल ही फसल बोई है और आजकल ही फसल उगी है, तो वो वहां पर आ गए होंगे उनको चरने के लिए। कालू हिरन, कालू हिरन, हिरन ना हिरन। कालू कालू किरण। तो जो मेरे घर के आसपास का वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर हिरन, भालू और जंगली बिल्ली, सियार, बहुत सारे ऐसे जानवर दिखाई देते हैं जो कि आम ऐसे खेतों में घूमते रहते हैं। हाँ
निकता तूने देख लिया था उनको रेस काटते हुए खेत में। तो कभी वो हिरन हमारे घर के नीचे इन खेतों में रहते हैं, कभी यहाँ और कभी यहाँ पीछे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर वो आते हैं। और आज वो सामने वाले खेतों में थे, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार उस हिरन के दो बच्चे और हो गए हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे। पिछली बार जो बच्चे थे वो तो काफी बड़े हो गए होंगे, ये नए बच्चे हैं। ये हिरन थोड़ा है, अगर ये हिरन को देखेगा ये डर जाएगा। तो पापा कह रहे हैं जब हमारे बैल उस साइड घास चरने के लिए गए थे तो बैलों ने हिरन को देखा था और बैल डर गए थे, क्योंकि बैलों को भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है। तो एक पुंछे ना जो भी तो हरे हरे आप आए दरा, यहाँ पे एक चूहा था। तो अभी क्या हुआ कि एक चूहा वहाँ से भागा और यहाँ नीचे यहाँ इन पत्थरों के बीच चला गया, क्योंकि आजकल घर पे बहुत सारे गेहूँ हैं तो चूहे गेहूँ खाने के लिए आ जाते हैं और ऐसे घुस जाते हैं। तो हमारे घर पे बिल्ली नहीं है, वरना तो बिल्ली उन चूहों को खा देती है ना निकिता। अब निकिता खाएगी उन चूहों को। ये देखो निकिता ने अपने हाथ पे कितनी मस्त मेहंदी लगा रखी है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।